हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसे पजल के क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसे देखकर आप सच में दंग रह जाओगे। ऐसा पजल के क्वेश्चन लेके आया हूँ तो सोच सके जितना सोच लेना, क्योंकि टाइम तो आपको 30 सेकेंड ही मिलेगा और 30 सेकेंड में आपको कमेंट करके आंसर देना होगा। तो चलिए, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। उम्मीद करता हूं कि सभी ने आंसर कमेंट कर दिया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पजल को पजल क्या था, सबसे पहले यहां पे नंबर और अल्फ़ाबेट दिए हैं। नंबर से अल्फ़ाबेट कैसे बना होगा हम देखेंगे। अगर हम 1+1+1 करें तो 4 होता है। 4 का उन्होंने R लिया है, लास्ट लेटर। और सेकंड 2+2+2+2 करें तो 8 होता है। 8 का लास्ट डिजिट लिया है टी। और थर्ड देखें तो 3+3+3+3 करें तो 12 होता है। 12 का लास्ट डिजिट लिया है ई। और लास्ट क्या था, 4+4+4+4 16। 16 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, एन। इसका आंसर क्या होगा, एन। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर एन ही आया होगा। चलिए नेक्स्ट पजल आपकी स्क्रीन पे, और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए अब पजल को सॉल्व करते हैं। जिसका आंसर आ गया है वो कमेंट में अपना आंसर का शेयर करें। चलिए पजल को सॉल्व करते हैं कि पजल क्या था। 6+ अगर मैं चारों को प्लस करूँ तो 24 होता है, लेकिन मैं 2+2 सेकंड को प्लस करूँ तो 8 होगा। इन्होंने 0 दिया है। तो पजल क्या है, कैसे किया है इन्होंने, चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं दो दो के पेयर बना दूँ और एक को मल्टीप्लाई कर दूं और एक को प्लस कर दूं और जो इनका आंसर आएगा उसको माइनस कर दूं तो 24 आएगा। सेकंड वाला भी अगर सेम मैं ऐसे ही करूं तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। और थर्ड का भी अगर मैं ऐसे ही करूं तो 8 आंसर आ जाएगा। और लास्ट वाले का क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8 प्लस 8 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 48 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर 48 ही आया होगा। चलिए नेक्स्ट पजल आपकी स्क्रीन पे, और आपका टाइम शुरू होता है अब। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों ने अपना आंसर कमेंट किया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस पज़ल को कि पज़ल में क्या था। आप दो तीन बार देखोगे तो पज़ल हिंट से ही पता चल जा रहा है कैसे इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले 3, 4, उसके बाद 8, 6, 12, 16, क्वेश्चन मार्क 24। तो क्या हुआ है, 3 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ और 6 आया है। 6 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ और 12 हुआ है। वैसे ही सेम 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 8 होगा। 8 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 16 आएगा। 16 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 32 आएगा। और इस पज़ल का आंसर क्या आएगा, 32। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, लाइक करें। ऐसे ही मोर पज़ल के लिए सब्सक्राइब करें चैनल।